सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जोश कुटाला फ्रॉम पिक सीरीज। एंड आज आपके लिए जो सॉन्ग लेके आया हूँ उसका नाम है बचपन का प्यार, जो बहुत टाइम से ट्रेंडिंग चल रहा है। अब तो गाना भी आ गया ऑफिशियली, सो इसको सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पहले स्केल देख लेते हैं, कौन सा स्केल यूज किया है। स्केल इज जी माइनर, ठीक है, जी माइनर। और स्केल के नोट्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने अपने मतलब स्केल के ये वाले नोट्स। सो स्केल के नोट्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने अपने कंप्लीट पियानो सीरीज में कवर कर लिया है। उसके लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, तो उसे आप फॉलो करके बिगिनर से लेके एडवांस तक सीख सकते हो और आपकी स्किल को डेवलप कर सकते हो। लेकिन आज के जमाने में स्किल से कुछ नहीं होता, वायरल होने के लिए आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। स्किल से कुछ नहीं होता, ठीक है, समझदार को इशारा है, काफी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सॉन्ग। सो फर्स्ट लाइन, ओके, सो ये सॉन्ग को सीखते हैं, मतलब फर्स्ट लाइन है यहाँ पे। सो एक एक लाइन करके सीखेंगे, सिंपल, बहुत ही आसान सॉन्ग है, कुछ ज्यादा इसमें मतलब हार्ड जैसा कुछ है ही नहीं। एक 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 नोट है और नोट्स भी बहुत आसान है इसके, ठीक है। सो सिंपल एक लाइन तो सीख लिया हमने, फिर से एक बार नेक्स्ट लाइन, ओके। बचपन का प्यार मेरा, फिर से, फिर सिंपल, भूल नहीं जाना रे, ठीक है, भूल नहीं जाना रे। तो पूरी देख लेते हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सेम ही लाइन है। देखो, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, मतलब एक लाइन को दो बार, फिर से सेम, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हमने आपने सुना होगा, लेकिन अभी सॉन्ग में जो न्यू पार्ट बहुत सारे ऐड हुए हैं जैसे सॉन्ग और भी इंटरेस्टिंग बन गया है, तो वो वाले पार्ट्स को देखते। सो उसकी फर्स्ट लाइन, ओके, एक एक लाइन करके सीखेंगे चार लाइन को। फर्स्ट लाइन सिंपल, ठीक है, जी माइनर जो स्केल है उसके नोट्स को प्ले किया, पहले पांच नोट्स को। नेक्स्ट लाइन, ओके, डी डी एफ D A sharp C C, ठीक है। Now next line, okay, so now, okay, simple, okay, तो पूरा देख लेते हैं। ये जो चार लाइन्स है कि उसको फिर से रिपीट करना है, लेकिन यहाँ पे लिरिक्स थोड़ी इस बार डिफरेंट होगी। सो एक एक बार मैं आपको फटाफट प्ले करके बता देता हूँ कि लिरिक्स में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब एक एक माइनर नोट में डिफरेंस है, ठीक है, एक लाइन में डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। तो पहला तो सेम ही है, ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ये तो सेम ही है, फिर ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड किया, हाँ के लिए जी ऐड कर दिया, बाकी पूरा सेम है और स्टार्टिंग में ऐड किया, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, ये सेम ही है। अब इसके बाद लाइन में हमने पहले किया था, अब यहां पे क्या करना है, सेम ये वाला डी डी से स्टार्ट करना है ऐसे, और इसके बाद फिर से सेम, ओके। तो यहां तक देख लिया, अब मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सो नेक्स्ट लाइन, हियर इट गोज, ओके,
सो ये चार लाइन है, सो एक एक लाइन करके सीखते हैं इसको। फर्स्ट लाइन, इतना ठीक है, सिंपल। और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन। ओके, बिना तू क्या करेगी, फिर से बिना तू क्या करेगी। नेक्स्ट लाइन, ओके, ए ए ए ए फोर टाइम्स, ठीक है। और एक बार फिर, ओके, यहां पे जी माइनर यूज किया, पूरी कैसे होगी देख लेते एक बार। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। लास्ट की दो लाइन में डिफरेंस है, बाकी स्टार्टिंग की पहले जो दो लाइन है वो तो हमने आगे ऑलरेडी सीख लिया, मतलब इसके पहले वाले लाइन में मैंने पूरा प्ले करके बताया था वही सीख ली थी, लेकिन यहाँ पे फिर से दो लाइन को रिपीट करना है और लास्ट की जो दूसरी दो लाइन होगी वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले तो ठीक है, ये तो सेम ही है, फिर ये भी हमने सीख लिया है, लिरिक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट है सिंपल, तू ही थी तू ही है, ए ए ए ए ए ए, फिर ओके, तू ही रहेगी, ठीक है। सो तू ही थी तू ही है तू ही रहेगी, ओके, यहां तक देख लिया। इसके बाद फिर से ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट तंत्र। नाउ मूव करते हैं हम सेकंड तंत्र पे, और सेकंड तंत्र की फर्स्ट लाइन, हियर इट गोस। ओके, सो ये फर्स्ट दो लाइन है, सो एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, यहां तक देख लिया, फिर से एक बार, तेरे आशिक के दिल से, फिर ठीक है, फिर से पूरा साथ में देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ओके, ठीक है, हमें फॉर ग्रांटेड लेना बिल्कुल, इतना ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन, ठीक है, भी अच्छा नहीं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, मतलब लास्ट लाइन देख लेते हमने फिर से एक बार, ओके, अब इसको फिर से रिपीट करना है ऐसे, ओके। तो इसके बाद आस्था मैम गिल का पार्ट आता है, सो उसको भी सीखेंगे हम, सो उसकी फर्स्ट लाइन, हियर इट गोस। ओके, सिंपल, एक एक लाइन करके सीखेंगे। एक एक वादा जो, फिर से एक एक वादा जो, फिर कि या मैं वो निभाऊं गे, फिर से पूरा कैसे होगा, ये लाइन दो लाइन को देख लेते, क्योंकि इसको दो बार रिपीट करना है ऐसे, देखो। नेक्स्ट लाइन, ओके, सिंपल, एक एक लाइन करके देख लेते इसको भी, देखो यहां पे क्या किया,
इतना प्ले करने के बाद इसको फिर से रिपीट करना है 4 बार ऐसे। तू सोच भी, इसको रिपीट करना है ये जो नोट्स हमने प्ले किए ए जी ए ए, उसको 4 बार ऐसे। तू सोच भी नहीं सकता, फिर नेक्स्ट लाइन, ठीक है ऐसे। नाउ नेक्स्ट लाइन, ओके सिंपल। दूर हुई तुझसे तो, फिर से एक बार, दूर हुई तुझसे तो, फिर ओके मैं भी मर जाऊंगी। ओके तो यहां तक देख लिया, इसके बाद फिर से मेन लाइन दैट इज, ओके तो ये था पूरा सॉन्ग। आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर ऑफ पिक्सरिस को, पिक्सरिस की ये वीडियो को लाइक करना एंड साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे कि हम कौन से नए सॉन्ग्स ला रहे हैं। ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग हमारे चैनल पर हम रखते रहते हैं, तो मिस नहीं करना चाहेंगे आप। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।